धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं और आज से कई वर्षों पूर्व लोग चेक इशू करते थे, बाउंस हो जाता था, वो कोई डर नहीं था, लेकिन समय समय पर इसमें इस एक्ट में अमेंडमेंट्स किया गया है और ये एक अच्छा कदम है। और ख़ास करके अभी जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें जो नए दो प्राविधान किए गए हैं उनका भी बहुत ही प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। और ख़ास कर करके जो चेक, एक जो हमारा इसकी एफिशिएंसी है और इसका जो जिसको हम लोग कहते हैं साख, पर अब बट्टा नहीं लगेगा। जब जो चेक इशू करेगा उसको लगेगा कि एक तरफ तो 2 साल का उनको सज़ा का भी प्रावधान है, जुर्माना भी होगा, और साथ ही जब कोर्ट में मुकदमा होगा तो उनको 20% पैसा जमा करना पड़ेगा, और जब अपील में जाएंगे तो 20% और भी जमा करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, समझना कि जो चेक इशू करता है उसको पता है कि उसके पास अकाउंट्स में पैसे हैं कि नहीं, तो पूरी तरह से मेंसरिया है उसका। अगर पैसा नहीं रहते हुए भी वो चेक इशू करता है जो बाउंस करता है तो पूरी तरह से एक जो है क्रिमिनल एक्ट, और ये साधारण नहीं है, क्योंकि आप जानबूझ कर करके विलफुली ये जारी कर रहे हैं। तो इसको और भी ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे लोगों में खौफ, डिटरेंस होना चाहिए। अभी जो है ये बेलेबल है, 2 साल की सज़ा है, और अब चलिए अब नया प्रावधान किया गया कि उनको कौन कंपनसेशन देना पड़ेगा इंटरिम। मैं समझता हूँ कि आगे चल करके इस पर और विचार करना चाहिए और इसको नॉन बेलेबल बनाना चाहिए, और लोगों के मन में हो जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये आप जब भी चेक इशू करते हैं, जो मैं पहले कह रहा था, आपको पता है कि आपके अकाउंट्स में पैसे हैं कि नहीं, और इस तरह के जो फ्रॉडलेंट काम करते हैं और इस तरह का जो फेक काम करते हैं इनके ऊपर सजा का और अच्छा प्रावधान होना चाहिए। साथ ही अभी जो 20% है इसको बढ़ा करके 50% करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कम से कम 50% को देना पड़ेगा, तो उनकी टेंडेंसी होगी 50% देना ही है तो और ज़्यादा से ज़्यादा दे दें, और जब अपील पर जाए तो उनको कम से कम 75% जमा कराना चाहिए, तब टेंडेंसी होगी कि उसको हम आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट कर लें। और एक बात और भी है कि कोर्ट में बहुत सारे जो बाउंस चेक हैं उसके मामले लंबित हैं, कई फिगर्स हैं, कहीं 18 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 38 लाख है, लेकिन लाखों में इनकी संख्या है। तो हम लोगों को कोर्ट को भी अप्रोच करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कि लोक अदालत लगा करके भी इसका निपटारा किया जाना चाहिए, जिससे कि जो कस्टमर है जिसको जो चेक मिलता है उसको एहसास हो कि जो चेक हमको मिल रहा है उसकी साख है और हमको पैसा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।